कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत में महामारी संकट एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। पिछले दिन से 12% ज्यादा कोरोना केस आए हैं। आज गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 47,092 नए कोरोना केस आए हैं। इससे एक दिन पहले 41,965 मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 509 कोरोना संक्रमितों की जाँच चली गई है। 35,181 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 11,402 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना मामले केरल में बढ़ रहे हैं। केरल में कोविड संक्रमण के बुधवार को 32,803 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 173 और लोगों की मौत हुई है। नए मामलों के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,90,036 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 20,961 पर पहुंच गई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,28,57,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,39,529 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,20,28,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3,00,000 से ज्यादा है। कुल 3,89,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के कुल मामले 3,28,57,937, कुल डिस्चार्ज 3,20,28,825, कुल एक्टिव केस 3,89,583, कुल मौतें 4,39,529, कुल टीकाकरण 66,30,37,000 डोज दी गई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।